पाकिस्तान में ननकाना साहिब में हुई मानवता को शर्मसार करने वाली घटना को लेकर आज रामगढ़ गुरुद्वारा में सिखों का आक्रोश देखने को मिल रहा है, जिसका आप नजारा कल 11 बजे रामगढ़ शहर की धरती पर देखेंगे। हमारे साथ रामगढ़ गुरुद्वारा के प्रधान रमेंद्र सिंह मौजूद हैं। हम उनसे जानते हैं कि किन मुद्दों को लेकर वो यहाँ पर मौजूद हुए हैं और कैसे कल उनका आक्रोश सड़क पर दिखेगा और क्या जवाब वो देंगे पाकिस्तान की सरकार को। आज एक अवैध बैठक गुरुद्वारा गुरुसभा बुलाई गई है, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि जो पाकिस्तान अनकरा से में जो असमित तत्वों द्वारा कुछ का पथराव वगैरह किया गया है, उसका विरोध में रामगढ़ की समूह सा संगत जो गुरु नानक नाम लेवा है उनके ऊपर भारी आक्रोश है और उनका हम सबों का यही कहना है कि इस पर उचित कार्रवाई की जाए। पाकिस्तान से कैसे हम अपील करवाएंगे कि इस पर उचित कार्रवाई की जाए और साथ ही हम कल SDO को एक ज्ञापन सौंपेंगे और इस पर हम उसके ऊपर में पूरा। प्रधान जी, सिख समाज जो है आपका वो ताकत वर्चस्व को लेकर हमेशा जाना जाता है, चाहे बॉर्डर की बात करें या देश रक्षा की बात करें, हर जगह सिख मतलब एक बड़ी ताकत के रूप में लोग देखते हैं और वैसे में सिख के ऊपर में और उनके धर्म के ऊपर में हमला, कैसे आप लोग इसको विरोध करेंगे? देखिए, इसमें ऐसा है कि हमारे गुरुओं का जो अपमान किया गया है, गुरु के जो हमारे पहले गुरु का जो जन्म स्थान है उस पर जो पथराव की बात की गई है, हम सिख समाज इसके लिए अपनी जान भी दे देंगे। इतिहास भी गवाह है कि गुरु गोविंद सिंह जैसे लोग इस धरती पर हैं, जिनके कारण आज हिंदुओं का बहुत बड़ा वर्चस्व जीवित है, वैसे लोगों के संस्थान के ऊपर में, वैसे धर्म वाले लोगों के ऊपर में हमला किया जाना, कितना उसको आप वर्चना करेंगे? हम सभी हिंदू भाइयों से भी अपील करेंगे कि वो भी कल इस रोष यात्रा में हमारे साथ SDO के पास चले और अपना उसमें दिखाएं कि हम भी एक गुरु गोविंद सिंह के चले हैं। यहाँ पर गुरुद्वारा कमेटी के यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, हम इनसे भी जानते हैं कि कल जो आक्रोश मार्च निकलने वाला है, पाकिस्तान सरकार को जो जवाब देने के लिए यहाँ पर इनके द्वारा आक्रोश निकाला जाएगा, कैसा प्रारूप होगा उसका? हम लोग कल जो SDO साहब को ज्ञापन देने के जाएंगे, शांतिपूर्वक ढंग से ज्ञापन देंगे और हर एक समुदाय से हम लोग अपील करते हैं कि ये बहुत निंदनीय घटना है, इसमें आप लोग भी शामिल होकर एक ऐसा पूरे हिंदुस्तान के या पूरे विश्व में मैसेज दें, ये जो पाकिस्तानी और के लोग अवांछित लोग ये जो गंदा काम करने पे तुले हुए हैं और देश में अशांति फैलाते हैं, इससे ये बाज आ जाएं, नहीं तो सिख समाज और सिख धर्म का इतिहास है वो किसी को नहीं बख्शेंगे अवांछित तत्वों को। पाकिस्तान में अगर हमको बॉर्डर में भी घुसना पड़ेगा तो हम घुस के एकदम इसको बर्बाद कर देंगे। सिख समाज का सिर कहीं भी नहीं झुकता है सिर्फ वाहेगुरु के अलावे, और वैसे में वाहेगुरु के धर्मस्थल और गुरुद्वारे के ऊपर में हमला हो गया। मैं वही आपको बताना चाह रहा हूँ आपके मैडम चैनल के माध्यम से कि जो हमारे पवित्र स्थान पर ऐसा गंदा का और घिनौना काम किए हैं, सिख धर्म हमारे गुरुओं ने मनुष्यता और धर्म के लिए अपनी कुर्बानियाँ दी हैं और अगर ये बाज नहीं आए तो इन्हें एक बार फिर हम दिखा देंगे कि सिख धर्म क्या है और सिखों की कुर्बानियां क्या कर सकती हैं। कल के आक्रोश रैली में शामिल होने के लिए आप कैसे क्या बोलना चाहेंगे लोगों को? लोगों से मेरा यही आह्वान है, शांति प्रिय ढंग से हम लोग ज्ञापन देंगे कि देश में शांति बहाल रहे, ऐसा घिनौना काम पाकिस्तान के अवांछित तत्व और इमरान खान से खासकर मैं कहना चाहूंगा कि इस अवांछित तत्वों के खिलाफ कठिन से कठिन कार्रवाई करें और हिंदुस्तान के पूरे विश्व में शांति बहाल करने का प्रयास करें। आपने सुना किस प्रकार से यहाँ पर गुरुद्वारा प्रबंधक के लोग बैठक करके अपना आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी है पाकिस्तान के हुक्मरान इमरान खान को कि आप चेत जाएं और ऐसी हरकतें ना करें, वरना सर भी कलम करना पड़ा तो हम नहीं चेतेंगे। न्यूज़लेंस में खबर की सूचना देने के लिए संपर्क करें और वीडियो व्हाट्सएप करें। हमारा संपर्क नंबर है